In fact, India Today's Gaurav Sawant did get a chance to speak to the Baloch student leader, Karima Baloch. Let's just listen in. This young Baloch student leader, Karima Baloch, who sent Rakhi greetings to Prime Minister Narendra Modi, now joins me on the broadcast. Karima, you're living in exile. You've sent out a Raksha Bandhan greetings to Prime Minister Narendra Modi. What were you thinking when you sent these greetings to the Prime Minister? What do you expect of him? जी मेहरबानी एक तो मुझे अपने शो में दावत देने के लिए और दूसरी बात बलूचिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में आर्मी वालों ने बलूच स्टूडेंट्स को नौजवानों को बुज़ुर्गों को उनको हज़ारों की तादाद में उठा के ले गए हैं तो बलूचिस्तान में ऐसी सिचुएशन है कि बलूचिस्तान की बहनें आए रोज़ सड़कों पर अपने भाइयों की बाजियाबी का मुतालबा किए उनके लिए प्रोटेस्ट करती हैं पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के ख़िलाफ़ के अगर उनके भाई या उनके प्यारे जो हैं उनको उठा के गायब किया गया है आर्मी वालों ने आईएसआई वालों ने तो अगर उन वो मुजरिम हैं उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको अदालतों में पेश करके उन पर केस चलाया जाए उनकी डिमांड भी इतनी है कि उनको अदालतों में पेश किया जैसे कि पाकिस्तान का अपना उसकी जो कानून बनाई गई है शोआब के लिए उसको तो फॉलो करना दूर की बात है So what would you want India to do? How would you want India to help the people of Balochistan? देखिए इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है दुनिया में और एक डेमोक्रेटिक कंट्री ही एक जमहूरी और हकूक के स्ट्रगल की अहमियत जो है उसको समझती है क्योंकि इंडिया ने खुद स्ट्रगल किया है खुद सफ़र किया है खुद इस दौर से गुजरे हैं जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं तो उसको बेहतर पता होगा कि किसी को अगर कॉलोनी बनाया जाए और उसके उसके ज़मीन पे जबरन कब्जा किया जाए तो उस ज़मीन की और उस ज़मीन के लोगों की कंडीशन क्या होगी न सिर्फ हम इंडिया से बल्कि हम तमाम दुनिया के तमाम इदारों से हम यही चाहते हैं और हम नरेंद्र मोदी से और इंडिया से हम ये चाहते हैं कि वो जैसा कि मैंने पहले अपने पैगाम में कहा था कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे ये हमारी आज़ादी की तहरीक है हम जिस भी सिचुएशन में हैं जितने भी कम वसाइल हों हमारे पास हम उनके साथ लड़ सकते हैं क्योंकि हम अपने हक के लिए अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं जो हमारा है लेकिन हमें उन लोगों की हमें इंडिया की और हमें दूसरे जो तहजीब याफ्ता ममालिक हैं जो इंसानी दर्द रखते हैं उनसे हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल फोरम्स पर हमारी आवाज़ बुलंद करे दुनिया हमारी तहरीक को सुने और दुनिया जाने के बलूचिस्तान में क्या हो रहा है क्योंकि बलूचिस्तान में मीडिया जो है वो मुकम्मल ब्लैकआउट पाकिस्तान हैज फॉर लॉन्ग बीन सेइंग दैट बलूचिस्तान इज इट्स इंटरनल इशू इन फैक्ट पाकिस्तान हैज नाउ सेड दैट इंडिया क्रॉस्ड अ रेड लाइन जस्ट बाय मेंशनिंग बलूचिस्तान इन सच अ सिचुएशन What is it that you expect India to do in these circumstances? देखिए पाकिस्तान हर फोरम में यही कहती है कि बलूचिस्तान उसका अंदरूनी मामला है और उसके अंदरूनी मामले में मुदाखलत ना किया जाए लेकिन एक बात तो हिस्टोरिकली जो सब कॉन्टिनेंट में हिस्टोरिकली बलूचिस्तान कभी था ही नहीं तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के वजूद से पहले एक रियासत की हैसियत रखता था पाकिस्तान तो अब एक उसकी उम्र तो 60 साल 70 साल है लेकिन बलोच एक हज़ारों सालों की एक तारीख रखती है एक सिविलाइजेशन रखती है एक कौमी शनाख्त रखती है तो पाकिस्तान ने बिलजबर बलूचिस्तान पे कब्ज़ा किया कोई कौम अगर अपनी मर्जी और मंशा से किसी कौम किसी दूसरे रियासत में खुद को मर्ज करना चाहे या उसके साथ अपनी मर्जी से रहना चाहे वो अलग बात है लेकिन हमने कभी कभी उनके साथ हमने रहने का ख्वाहिश जाहिर नहीं किया हम उस दिन से लड़ते आ रहे हैं अपने अपनी जो दागाना जो रियासत है उसकी जो आज़ादी उन्होंने छीन ली थी उसकी बहाली के लिए हम अपनी स्टेट के लिए शुरू दिन से लड़ रहे हैं जिस दिन से हम पे कब्जा किया गया था There was a terror attack recently in Balochistan. 100 people, lawyers, doctors, journalists, intellectuals lost their lives. Now, is this terrorism that's aimed at the Baloch people? Pakistan, Balochistan mein jo taleemi idare hain unko
धीरे धीरे उनको मजहबी मदारस में तब्दील कर रही है। आर्मी कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पे स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं, उनकी बिल्डिंग है, उन वहाँ से टीचर्स को और स्टूडेंट्स को भगाया गया और आर्मी का कब्जा है वहाँ पे। काफ़ी दफ़ा उन बच्चों के वालदीन भी गए थे, प्रोटेस्ट भी किया था आर्मी के खिलाफ कि स्कूल की बिल्डिंग तो छोड़ दें ताकि हमारे बच्चे पढ़ लें, लेकिन वो उन्होंने धमकी दी कि आइंदा अगर आप लोग यहाँ पर नज़र आए और हमसे यहाँ से हटने को कहा तो आप लोग यहाँ से ज़िंदा नहीं जाओगे। तो इस तरह की सिचुएशन है।